खरगोन जिले के बड़वाह में दिनदहाड़े चोरी की सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां सोने मकान को चोरों ने निशाना बनाया और 1,30,000 नकदी सहित सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। खरगोन जिले के बड़वाह नर्मदा रोड स्थित नर्मदापुरम कॉलोनी में दिन दहाड़े चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाया और घर से 1,30,000 नकदी सहित सोने के करीब 4 लाख रुपए के आभूषण चोरी कर फरार हो गए। मकान मालिक अभिजीत सिंह अरोरा ने बताया कि शनिवार सुबह पत्नी को इलाज के लिए शहर के एक निजी हॉस्पिटल में ले गए थे, पश्चात गुरु नानक मार्ग में अपने बेटे के यहाँ रुक गए। शाम को वापस घर आए, चोरी की घटना का पता चला। मम्मी तबीयत खराब थी तो मैं जोसेफ क्लिनिक चले गया मम्मी को दिखाने के लिए हॉस्पिटल में। वहाँ पे दिखाया और गुरु नानक मार्ग में घर है मेरा एक, मम्मी को मैंने आराम करने के लिए छोड़ दिया था। और शाम को जब आए मम्मी और पापा दोनों तो ताला टूटा हुआ था। करीबन 8 बजे की बात है, 1 लाख रुपये हॉस्पिटल पर दिया है। आपका नाम? शैलेंद्र। एक चैन पेंडल साइज, एक चैन है ना, 2 पांचाली, 2 मंगलसूत्र लंबे वाले जी, है ना, 3 जोड़ मेरे कान के है ना, टॉप सा, 2 जोड़ झुमकी और 3 जोड़ अलग से लड़की के थे लटकन हो, और 3 अंगूठियां सोने की चेन भी। हाँ, सोने की चेन मैंने बोले से पेंडल साइज। और नगद कितना था? नगद मेरे होंगे 30,000 के करीब, इधर भी उधर भी रखे हुए। 1 लाख तो इनके थे नगद केस रखे हुए थे, और मेरे इस दर भी थे और इधर भी पर्सन में थे, जगह जगह रखे हुए। टोटल 1,30,000 रुपए। हाँ, नगद। हाँ, फिलहाल फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। बड़वाह से वाजिद खान की रिपोर्ट।